हेलो गाइस स्वागत है आप सभी का कीप प्रैक्टिसिंग 2.0 पॉइंटो यूट्यूब चैनल पर आज हम डिस्कस करने वाले स्टैटिक एमसीक्यू सेट सिक्स जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं स्टैटिक्स एमसीक्यू एंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल कीप प्रैक्टिसिंग टू को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड हमसे जुड़ने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं जी ए शुभम टेलीग्राम चैनल एंड आज का पहला क्वेश्चन द वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे तो किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 19 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे एंड द फॉलोइंग सिटीज हैज रिकनाइज एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो किस सिटी को रिकग्नाइज किया जाता है यूनिस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में ऑप्शन में से तो ये जयपुर है जिसे रिकग्नाइज किया जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में एंड यूनिस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिस्को का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस फ्रांस में एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन बेस्ड तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर किस कंट्री में है तो इसका हेडक्वार्टर है लाउशेन स्विट्जरलैंड में है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का एंड द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इज एनुअल रिपोर्ट रिलीज बाई विच ऑर्गेनाइजेशन तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स तो ये रिलीज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एनुअली एंड ये रेवन इज कैपिटल ऑफ विच कंट्री तो ये रेवन किस देश की राजधानी है तो ये है अर्मीनिया की राजधानी है ये रेवन एंड अर्मीनिया की करेंसी हो जाएगी ड्रम एंड घोड़े मोडनी कुंबी आर सम ऑफ द फेमस फोक डांस फ्रॉम स्टेट तो ये किस स्टेट के फेमस फोक डांस है घोड़े मोडनी एंड कुंबी डांस एंड देखनी तो ये फेमस फोक डांस है गोवा के घोड़े मोडनी एंड कुंबी डांस एंड देखनी एंड द ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम इज मल्टीपर्पज स्टेडियम लोकेटेड इन विच स्टेट तो किस स्टेट में है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तो ये है केरला में है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हैज इट हेडक्वार्टर बेस्ड एट विच कंट्री तो किस कंट्री में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का हेडक्वार्टर? तो ये आपको ग्लैंड स्विट्जरलैंड में मिलेगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का हेडक्वार्टर एंड सैडल पिक नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ इंडिया तो इंडिया में कहा पर है सेडल पीक नेशनल पार्क तो ये मिलेगा आपको अंडमान निकोबार में सेडल पिक नेशनल पार्क एंड विच स्टेट इज बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड तो बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है इंडिया में किस स्टेट में है तो so, ये मिलेगा आपको वेस्ट बेंगाल में बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड मनागुआ इज कैपिटल ऑफ निकार्गुआ देन वाट इज द करेंसी ऑफ दिस कंट्री तो निकार्गुआ का कैपिटल हो जा रहा है मनागुआ तो निकार्गुआ का करेंसी क्या हो जाएगा तो इसका करेंसी हो जाएगा कोर्दोबा हो जाएगा निकार्गुआ का करेंसी एंड वेर इज द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएस ए आई डी हेडक्वार्टर तो ये बताना कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहां पे है तो ये वॉशिंगटन डीसी यूएस में है इसका हेडक्वार्टर इज द रंजीत सागर डैम लोकेटेड तो ये कहाँ पर है रंजीत सागर बांध किस राज्य में है तो ये जम्मू कश्मीर में है रंजीत सागर डैम एंड ये रंजीत सागर डैम बना किस रिवर पे तो रिवर रवि पर बना है रवि नदी पर बना है ये रंजीत सागर डैम एंड ऑफिशियल करेंसी ऑफ द चेक रिपब्लिक तो चेक रिपब्लिक का ऑफिशियल करेंसी क्या है तो इसका हो जाएगा कोरुना हो जाएगा इसका ऑफिशियल करेंसी चेक रिपब्लिक का है एंड इसका प्राग्वे हो जाएगा इसका कैपिटल चेक रिपब्लिक का एंड हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बैंक विथ ए सोल इक्विटर्स तो ये बुक किसने लिखा है तो so, ये बुक लिखा है डॉक्टर सी के गरियाली ने लिखा है बैंक विथ ए सोल इक्विटर्स एंड वेयर इन इंडिया इज द विवेकानंद इंडियन यूथ स्टेडियम तो ये कहाँ पे है स्टेडियम इंडिया में तो so, ये मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में विवेकानंद इंडियन यूथ स्टेडियम एंड अतुल दास इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट तो अतुल दास किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं तो so, ये बिलोंग करते हैं आर्चरी से बिलोंग करते हैं अतुल दास एंड द इंडियन ओवरसीज बैंक इज हेडक्वार्टर एट तो इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है तो so, इसका हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में मिलेगा इंडियन ओवरसीज बैंक का एंड ना नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट तो इंडिया में किस इंडियन स्टेट में मिलेगा अनामुदी शोला नेशनल पार्क तो ये मिलेगा आपको केरला में मिलेगा अनामुदी शोला नेशनल पार्क एंड थैंक यू गेज इतने ही क्वेश्चन थे